अब हमें एक फैसला करना होगा। कैसा फैसला? या तो हम एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं, या फिर निकाह कर। भीषम प्लीज, ये निकाह रुकवा दो। मैं नाजिर से शादी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो? परसों तुम्हारा निकाह है, क्यों नहीं करनी नाजिर भाई से शादी? आप ठीक तो हैं? आपकी गलती नहीं है, मैं अपनी सोचों में आपके सामने आ गया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बचत होगी अल्लाह का शुक्र। बस दुआ करें दिल पर कोई चोट ना आए। तो ये बात है भाई, मोटरसाइकिल जरा देखकर चलाया करें, जिंदगी रहेगी तभी तो किसी को पाएंगे ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एनीवेज थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैसे मैं दुआ करूंगा कि आपके दिल की मुराद जल्दी पूरी हो जाए। उनको मिला एनकरेज करने वाला। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यू टू, टेक केयर। शयान जी सुनो, आज जरा जल्दी घर आ जाना। क्यों भाई? परसों हमें रिश्ता लेके जाना है, तो कुछ शॉपिंग भी तो करनी है ना। भाभी आप हथेली पर सरसों जमा रही, आज का ये प्लान कैंसिल कर दें प्लीज। अरे वाह, क्यों कैंसिल कर दूं? वहां सारी तैयारियां मुकम्मल है। भाभी रिश्ता ही तो लेकर जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं इसमें? मुझसे इस वक्त मजाक करने की जरूरत नहीं है। वहां सारी तैयारियां मुकम्मल है, शॉपिंग भी करनी है और मैं कामरान के साथ जा रही हूँ अभी शाम में। हेलो, हाँ मौलाना साहब आ गए, मैं आ रहा हूँ। अलीशा, सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई हो। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने खानदान के बगैर अपनी जिंदगी का आगाज करूंगी। लेकिन अलीशा, अगर हम ये कदम ना उठाते तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को खो देते। और मेरा यकीन करो अलीशा, तुम्हारी अम्मी तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, और इंशाल्लाह रुखसती तुम्हारे बड़ों की दुआओं के साए में होगी। इंशाल्लाह, अगर शायद मेरा दिल बैठा जाए मैं कैसे बताऊंगी अम्मी और दादी को? बहुत ही मुश्किल मरहला है मेरे लिए। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, लेकिन तुम्हें उन्हें आज ही बताना होगा। मैं कल खुद आऊंगा और उनसे बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। शायान शायद 2 बज गए होंगे, अम्मी वेट कर रही होंगी, मुझे जाना चाहिए। अलीशा 5 मिनट्स के लिए रुक जाओ, मैं अपनी दुल्हन को दिल भर कर देख तो लूं। में गई ऐसी पढ़ाई, तुमने उसे जाने क्यों दिया? वक्त देख रही हो क्या हो रहा है? बज गए तुम्हारे 2। सॉरी अम्मी,
तुम्हारी नजर में पढ़ाई के अलावा और किसी बात की अहमियत है कि नहीं? पूछ रही हूँ कुछ तुमसे। इसकी शक्ल देखिए, कैसा पीला पड़ गया इसका रंग। शादी से पहले तो बच्चियां अपना रंग रूप संवारती हैं, बनाव सिंगार करती हैं, लेकिन यहाँ यहाँ किसी बात की अहमियत ही नहीं है। अलीशा, शुक्र है तुम आ गई। तुम्हें पता है, सुबह से पता नहीं अजीब अजीब से वहम आ रहे थे मेरे दिल में। कैसे वहम? जिस तरीके से तुम सुबह बातें कर रही थी, मैं बस परेशान हो गई थी। अलीशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे चेहरे का रंग इतना जर्द क्यों हो रहा है? अलीशा, मुझे प्लीज तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। क्या हुआ है? प्लीज अलीशा, कोई ऐसी बात मत कह जिसे सुनकर हम बेमौत मर जाएं। कुछ ऐसी बात? क्या हुआ? सुन, मैंने शायान से निकाह कर लिया। सुन, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। जाओ, जाके इसका सामान और इनकी चादर लेकर आओ। जाओ रिशम, प्लीज रिशम। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपको बताया ना, सिर्फ एक दिन पहले ही उसका निकाह तय था, जिसके रुकने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? अम्मा नहीं, छोड़ो मुझे, चलो यहाँ से। तुम्हारी इज्जत तार तार कर दी। मैं कह रही हूँ निकलो मेरे घर से, निकलो यहाँ से। सरी, क्या बात है? होश में हूँ, पागल हो गई हूँ? हाँ अम्मी, मैं पागल हो गई अम्मी जान में। मैं इसको जान से मार दूंगी। क्या किया इसने? इसने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या हुआ है? तार तार कर दिया हमारी इज्जत को। क्या कह रही हो? मैं खलीफ भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी अम्मी जान? क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? मेरी अलीशा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। आपकी अलीशा? आपकी अलीशा ने निकाह कर लिया। इसने हम सबसे चुपके शादी कर ली अम्मी जान। दादी प्लीज मेरी बात सुने। शायद अच्छा लगता है दादी, प्लीज प्लीज मेरी बात सुने। अम्मी प्लीज मेरी बात सुने। अम्मी नहीं हूँ मैं तुम्हारी अम्मी, मर गई मैं तुम्हारे लिए। पता होता तो पैदा होती का गला घोट देती। बहुत बुरा किया मेरे साथ। दादी प्लीज एक दफा सफाई का मौका दे दे। शायद ऐसा लड़का नहीं। बकवास मत करो। उस खबीस मर्दूत का नाम भी मेरे सामने मत लेना। उस ना हंजार ने तुम्हारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि ना तुम्हें बेवा माँ नजर आ रही है, ना बूढ़ी दादी। आप ठीक तो है ना दादू?
इससे कोई दफा हो जाए। इस लड़की ने ये भी नहीं सोचा कि हम खानदान वालों को क्या जवाब देंगे। परसों उसका निकाह है, लोग आएंगे, हम क्या जवाब देंगे? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो अलीशा? कुछ तो सोचा होता हमारे बारे में, हमारी इज्जत, हमारी खुशियां पामाल करके अजनबी शख्स को तुमने बख्श दी। हम क्या मुंह दिखाएंगे ताया अबू को? कुछ तो सोचा होता तुमने। फोन करो अपने शौहर को अभी और इसी वक्त तुम्हें यहां से आगे ले जाए। लाश को ज्यादा देर घर में रखना अच्छा नहीं होता। अम्मी प्लीज, अम्मी मुझे इस घर से नहीं जाना कहीं बेबी प्लीज। नहीं हूं मैं तुम्हारी अम्मी, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मुझसे, ना इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता है। दादी प्लीज, दादी दादी प्लीज, अम्मी को समझाए मैंने घर से नहीं जाना, प्लीज मुझे घर से नहीं निकाले। मुझे तुमसे नफरत हो गई है, नफरत, ऐसी नफरत कि तुम जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। नहीं, नहीं, मेरे बच्चे को जब पता चलेगा तो बताओ उसका क्या हाल होगा? कभी सोचा है? उठो, मैंने तुमसे कहा ना उस शख्स को फोन करो, लेके जाए तुम्हें यहाँ से, और अगर नहीं तो तुम कहीं भी चली जाओ, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमें प्लीज, हमें मर गई हो तुम मेरे लिए, हमें प्लीज, हमें ऐसा नहीं कर। चुप हो जाओ तुम, मत बोलो इस मामले में वरना तुम्हें भी जान से मार दूंगी। नहीं अम्मी प्लीज, अम्मी जाओ यहाँ से, जाओ जाके इसका सामान और इनकी चादर लेकर आओ। जाओ प्लीज, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मी प्लीज ऐसा नहीं करें, देखिए हमें आगे नहीं, अम्मी नहीं, निकलो यहाँ से, दो इसे, मुझे नहीं जाना, हमें प्लीज निकलो मेरे घर से, अम्मी प्लीज रोजा निकलो मेरे घर से, ऐसी लड़कियों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं निकली। हमेशा के लिए मर चुकी है हमारे लिए, और आइंदा इस घर में किसी की जबान पे भी उसका नाम आया तो मैं हमेशा के लिए उससे भी ताल्लुक तोड़ लूंगा। उस खबीस मर्दूत का नाम भी ना लो इस घर में, उसने वो हरकत की है कि हमारी इज्जत खाक में मिला के रख दी, हमें पूरे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
अपनी बेवा माँ का भी नहीं ख्याल किया और इस मासूम बहन का भी नहीं, जिसकी आने वाली जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा कुछ नहीं सोचा उसने। अब्बा, अगर उसने अपनी पसंद से निकाह कर ही लिया तो परसों होने वाली तकरीब में पूरे खानदान के सामने उसको रुखसत कर दे। बदनामी और रुसवाई का डर तो नहीं खा रहा होता हम सब? नहीं, हरगिज नहीं। जिसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, इतना बड़ा फैसला मुझे बताए बगैर कर लिया, उसका जनाजा भी इस घर से उठाऊंगी नहीं। नासिर बेटा, उसने जिस बेदर्दी से तुम्हारा दिल तोड़ा, वो कभी भी खुश नहीं रह सकेगी। तुम्हारी बद्दुआ लगेगी उसे, देख लेना। भैया, आज तो बारिश के साथ साथ तुम्हारे खाने ने भी कमाल कर दिया। आपको पता है, आज मैंने खाना श्रेयान की पसंद का बनाया था, लेकिन उस मोहतरम का तो कुछ पता ही नहीं होता इतना लेट आता है। लगता है बहन के देवरानी बनने की खुशी खाने में शामिल हो गई थी। लेकिन अब तक आया नहीं, वैसे बारिश तो रुक गई है, आ जाना चाहिए। अरे तुम कहाँ रह गए थे, कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें। अलीशा, भाभी अलीशा है मेरी बीवी। कामरान, इन दोनों से कहे कि ये अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। मैं इस लड़की को एक मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिनट रुको तो सही, मुझे पता तो चले आखिर मामला क्या है। आपका भाई इस लड़की को भगा के लाए, मैं यहाँ इसका रिश्ता जाने के लिए बैठी हूँ और ये शादी करके आ गया। कामरान भाई प्लीज प्लीज, आप लोग हमें गलत मत समझे, ये सब बेहद अचानक और इमरजेंसी में हुए। घर से भागी हुई लड़कियों के लक्षण ये नहीं होते। इसको बोले इसको लेके अभी चला जाए, नहीं तो मैं धक्के देके निकालूंगी इसे। हाँ बताते क्यों नहीं है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ शायान, हमारा निकाह हुआ है, ये मुझे इस तरह से जलील ना करे। अलीशा कहीं नहीं जाएगी, चलो अलीशा। शायन, गुस्से और जज्बात में किए गए फैसले अमूमन पछतावा ही देते हैं। तुमने जो दुख मुझे दिया है, शौक मुझे दिया है, मैं तो उसे बर्दाश्त कर जाऊंगा, मगर एक गिला तुमसे हमेशा रहेगा। कम से कम उसे एक मशवरा ही कर लेता यार, ये सिचुएशन तो ना खड़ी होती ना कुछ तो मैं संभाल ही लेता। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आपको बताया ना, सिर्फ एक दिन पहले ही उसका निकाह तय था, जिसके रुकने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। बस फिर घबराकर मैंने, अरे यार कम से कम अपनी घबराहट ही शेयर कर लेता मुझसे, उस मासूम को ये सब कुछ तो ना सहना पड़ता। और तू अपनी भाभी को तो जानता है कि मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा उसे समझाना। सॉरी भाई, रियली सॉरी, गलती हो गई यार। देख, जो होना था अब हो चुका है, लेकिन अब अलीशा को समझाना कि बहुत ही मेहनत से इस घर में भाभी के दिल में जगह बना है, वो इस घर की बहू है। घबराने, मैं तेरे साथ। जहाँ शान है तो इस तरह अचानक ही होते हैं भाई। वो जरीन का बहनों ही नहीं था, बल्कि उसे सगे भाइयों से बढ़ के था। नहीं, कराची तो नहीं आया,
सिजदा आने का प्रोग्राम बना रहा था तो यह हादसा हो गया। अच्छा मैं माफी चाहूंगा, मुझे बहुत से लोगों को इत्तला करनी है, उन्हें बता दूं कि कैंसिल हो गया निकाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़। याद है खलीक, आप कुछ दिन पहले इस एमरजेंसी निकाह की खुशी खुशी सबको खबर दे रहे थे और अब झूठ बोल बोल के लोगों को निकाह के कैंसिल होने की इत्तला कर रहा हूं। शायना मुझे समझ में नहीं आता कि वो बच्ची जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया, इतनी मासूम सी बच्ची इस किस्म की हरकत भी कर सकती। यकीन करो मेरे सामने आ जाना तो कसम खुदा की मैं। खलीक आप ये देखें कि हमारा बच्चा कितना टूट गया, अभी हमें छोड़ के गया और कह रहा था कि दोस्त की तरफ जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि वो दोस्त की तरफ नहीं गया होगा। क्या करे, अकेले में बैठ के गम गलत कर रहा होगा बेचारा, और क्या। अच्छा मैं कल सुबह इन सबको जाके वहां से ले आऊंगा ताकि ये सब अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ले। ये ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हम लोगों का वहां पे रहना मुनासिब नहीं है। ठीक कह रही हो। अच्छा देखो और कितने लोग रह गए हैं जिन्हें इत्तला देनी है ड्यूटी। अम्मी 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 क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं शायान, मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की मगर घर वालों में से किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा। पूरी दुनिया में किसी दुल्हा और दुल्हन ने ऐसी सुहागरात नहीं मनाई होगी। शायन आपने तो कहा था कि सबकी नाराजगी भक्ति होगी, मगर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुझसे मेरे सारे हफ्ते कहीं खो गए? नहीं लीशा, मेरी जान मेरी जिंदगी, मायूसी जिंदगी में आने वाली खुशियों की कातिल होती है, यकीन रखो। और मेरा यकीन करो, इंशाल्लाह मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली लुटाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अलीशा तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं सोचती हूँ शायान कि सारी सजा की बाकी मैं होता हूँ। मैंने अपनी माँ को अचानक जो सदमा दिया है और दुख दिया है, उसकी माफी मुझे कभी नहीं मिल सकती। ताया अबू ने हमारे अबू के बाद हमें कितना प्यार से रखा, कितना ख्याल किया, लेकिन मैंने उनको कितना बड़ा दुख दे दिया। और नाजिर, हाँ बोलो, चुप क्यों हो गई? मुझे डर लगता है कहीं उसकी बद्दुआ ना लग जाए। किसी के एहसासात और जज्बात के साथ खेलना अच्छा नहीं होता। सही कह रही हो, लेकिन अलीशा तुम अगर इसी तरह गिल्टी फील करती रही ना, मेरा तो बेड़ा गरक हो जाएगा। तुम्हारा शौहर हूं मैं, दो बोल प्यार की बोल दो मुझे, बोलो ना। बुरा ख्वाब देखा है आप? ख्वाब तो बेटा नींद में आते हैं, इतनी भयानक हकीकत में नींद कैसे आएगी? क्या कमी थी मेरी तरबियत में, क्या कमी थी? असलम के इंतकाल के बाद
अगर मैंने कुछ कमाया है तो वो बस इज्जत है। इसे संभाल संभाल के मैं यहाँ तक आई हूँ। मैंने अपनी सास से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। सारे ससुराल वालों की मैंने इज्जत की है। मेरी शख्सियत की वजह से खलीक भाई ने नाजिर से रिश्ता का रिश्ता मांगा। रिशा मुझे सारी जिंदगी के लिए मेरी इज्जत को रौंद के चली गई। मैं जानती हूँ आपने हर एक कुर्बानी दी है। मुझे याद है वो मेहनत दिन रात एक कर दिया। लेकिन आप मुझे बताएं कैसे रोने से सब कुछ ठीक हो जाए। अम्मी 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 दादी अम्मी अम्मी श्रेयान, सुबह के 10 बज रहे हैं। तुम्हारे भाई तो काम पर भी जा चुके हैं। सॉरी भाभी, आंख ही नहीं खुली। और हाँ, अपनी घर से भागी हुई दुल्हन को ये बता देना कि ये चोंचले ना दिखाए। जो लड़कियां इज्जत से ब्याह कर आती है ना, उन पर ये चोंचले सूट करते हैं। भाभी प्लीज, आप जिसके बारे में बात कर रही है ना, बीवी है वो मेरी। बीवी है? सुबह से मोहल्ले की औरतों को जवाब दे दे के थक गई हूँ मैं। जरा जाके पूछो तो किस तरह से नाम ले रही है तुम्हारी बीवी का। भाभी, अगर आपके तंज के तीर बच गए हो ना अब भी, तो उनको अपने पास संभाल के रखें और अभी हमें बख्श दें प्लीज। प्लीज भाभी, जस्ट लीव अस अलोन। तीर मैं इसके दिल में उतार दूंगी। चाची को शदीद हार्ट अटैक हुआ है। बहुत बुरा किया अनिशा तुमने, बहुत बुरा किया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि बस दुआ करें हम लोग। अलीशा प्लीज, भाभी की बातों का माइंड मत करना। सिर्फ उनका रिएक्शन है, जो हमने शौक उनको दिया है। अब देखो ना, तुम्हारी अम्मी का भी कितना सख्त रिएक्शन था। मेरी अम्मी को अपनी भाभी से कंपेयर मत करें। मैंने उनको बहुत दुख पहुंचाया है। पता नहीं वो लोगों को कैसे फेस कर रहे हैं। मेरी अम्मी का कुल असासा सिर्फ मैं और रेशम थे। सच है, मेरी वजह से अम्मी पे बहुत जुल्म हो गया। और ये जुल्म मैंने करवाया ना। मैं वादा करता हूँ अलीशा, तुम्हारी आंखों में आंसुओं की जगह खुशियों की चमक होगी। मुझे तुम्हारी भाभी की बातें बहुत हर्ट कर रही हैं। I'm sorry. I'm really sorry. अलीशा, निकाह के बाद हमने एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजारा। थक गया हूँ यार मैं, थक गया हूँ। नहीं नहीं शादी का खुमार क्या होता है मुझे पता ही नहीं चला। एनीवे अलीशा, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं ना, उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा। जिंदगी एक बार मिलती है, इसको एंजॉय करते हैं ना। आपका आइडिया बहुत अच्छा है शायद। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि इस तकलीफ का माहौल से कुछ देर के लिए से कहीं दूर चले जाऊं। तो ठीक है, डन।
चलते हैं। वैसे एक बात बताऊं, ये कल वाले मेले कपड़ों में भी ना बहुत प्यारी लग रही, बहुत। चलें। चल। रेशम प्लीज फोन उठा, तुम भी अपनी बहन को अकेला छोड़ दोगे? मैंने सही नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया अपने घर वालों के साथ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? I'm sorry, she is no more. क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं शायान, मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की मगर घर वालों में से किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा। अलीशा तुम समझ नहीं रही, खुद को वक्त दो, उनको वक्त दो, अभी एक ही तो दिन हुआ, वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है शायद, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह ना करे। बीना, जी भाई, अलीशा को नाश्ते के लिए बुलाकर लाओ, शायान स्पेशली रिक्वेस्ट करके गया है। हरगिज नहीं, और आइंदा मुझसे आपने ये बात नहीं करनी। हद कर रही हो तुम, भाई उससे हमारा एक रिश्ता है और अब तुम्हें रिश्ता कबूल करना ही होगा, वो शायान की बीवी है। और हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पीछे से किसी भी किस्म का कोई मसला क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं उसे खुद बुला कर लाता हूँ। अलीशा जी आओ नाश्ता कर लो। नहीं कामरान भाई, भूख नहीं है मुझे। देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, अच्छी तरह से जानता हूँ कि बीना की बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस पर भरोसा रखो। थैंक यू कामरान भाई, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा हो ना, चलो नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। अरे वाह, मैं कामरान को दरवाजे तक क्या छोड़ने गई, तुम समझी मर गई? मेरे घर का सारा इंतजाम तुम अपने हाथों में लेने लगी? नहीं वो भाभी, मैंने सोचा मैं आपकी हेल्प करवा दूं। मेरी हेल्प करवा दूं? तुम जैसी घर से भागी हुई लड़कियों के शातिर पर मैं खूब समझती हूँ। आपको जरा सा भी खुदा का खौफ नहीं? मैं जब से आई हूँ आप मेरी किरदार कशी किए जा रहे। अच्छा तो आपका किरदार भी है? आपसे तो अच्छा है भाभी, शायान ने आपकी बहन से अगर शादी नहीं की तो उसका बदला आप खूब बता रही। तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी, वरना तुम जैसी भागी हुई लड़कियां कोई अपने घर में नहीं रखता। तुम्हारे तो घर वालों ने भी तुम्हें धक्के देके निकाला है ना। और तुम्हें पता है हमारा सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है तुम पर, इससे तो बेहतर है कि उन्हें सच्चाई बताई जाए कि तुम घर से भाग कर आई हो। और पता है क्या, मुझे लगता है कि तुम किसी कोठे से भाग के आई हो। अपनी जबान को लगाम दे, कोठे में से हम दोनों में से कौन आया है ये पूरा मोहल्ला जानता है,
और अल्लाह का शुक्र है अभी मेरा मैका जिंदा है। मैं अभी इसी वक्त आप लोग का ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लानत भेजती हूँ आप सब पे। शौक से जाओ और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर इस घर में मत आना। और एक बात और सुन लो, अब तुम देखना मेरी बहन किस तरह शान शौकत से इस घर में आएगी। अगर आपकी बहन की जबान और ख्यालात आपकी तरह छछोरे हैं ना, तो इंशाल्लाह वो इस घर में तो क्या किसी घर में भी सुख नहीं पा सकती। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी आपको पता है कि ये लोग कहाँ गए हैं? जी हाँ, वो अलीशा की अम्मी का इंतकाल हो गया। कोई इससे ना मिले। किससे मिलना चाहती हो तुम? उस माँ से जिसे तुमने खुद मारा? आप मेरी मोहब्बत को भूल गए ना उसके लिए? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, जितना हक मेरा और तुम्हारा इस घर पर है ना, उतना ही हक शायान और उसकी बीवी का भी है।